अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि अली बिन अभी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा संजा करके मेरे पास आए और वज़ू के लिए पानी मांगा। हम एक प्याला लेकर इनके पास आए जिसमें पानी था, यहाँ तक कि हमने इन्हें इनके सामने रखा तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐ इब्ने अब्बास, क्या मैं तुम्हें दिखाऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वज़ू करते थे? मैंने कहा, हाँ ज़रूर दिखाइए। तो आपने बर्तन झुकाकर हाथ पर पानी डाला, फिर इसे धोया, फिर अपना दाहिना हाथ बर्तन में दाखिल किया और पानी लेकर इसे दूसरे पर डाला, फिर अपनी दोनों हथेलियों को धोया, फिर कुल्ली की और नाक झाड़ी, फिर अपने दोनों हाथ मिलाकर एक साथ बर्तन में डाले और लिप भर पानी लिया और इसे अपने मुंह पर मारा, फिर दोनों अंगूठों को कानों के अंदर यानी सामने के रुख पर फेरा, फिर दूसरी और तीसरी बार भी ऐसा ही किया। फिर अपनी दाहिनी हथेली में एक चुल्लू पानी लेकर अपनी पेशानी पर डाला और इसे छोड़ दिया, वो आपके चेहरे पर बह रहा था। फिर दोनों हाथ तीन तीन बार कोहनियों तक धोए। इसके बाद सर और दोनों कानों के ऊपरी हिस्से का मसा किया, फिर अपने दोनों हाथ पानी में डालकर एक लिप भर पानी लिया और इसे दाएं पैर पर डाला। इस वक्त वो पैर में जूता पहने हुए थे और इससे पैर धोया, फिर दूसरे पैर पर भी इसी तरह पानी डालकर इसे धोया। अबीदुल्लाह खवालानी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दोनों पैर में जूता पहने पहने ऐसा किया? आपने कहा, हाँ जूता पहने पहने किया। मैंने कहा, जूता पहने पहने? आपने कहा, हाँ जूता पहने पहने। फिर मैंने कहा, जूता पहने पहने? आपने कहा, हाँ चप्पल पहने पहने।